हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी आर के एस एम बी के आपके पेपर होने जा रहे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में गवर्नमेंट ने क्या अभी प्रैक्टिस पेपर सेट जारी किए हैं आपके लिए कि किस प्रकार आपका आर के एस एम बी के का पेपर आएगा। तो हम आपके लिए वो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेके आए हैं। ये हम अभी प्रैक्टिस सेट ग्रेड सिक्स क्लास सिक्स का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, 5 हिंदी के, 5 मैथ के और 5 ही इंग्लिश के। फिर विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए यहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट और आपकी वर्कबुक भी हल करवाएंगे। देखिए, भी रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुने। क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? अब देखो, अभी क्या से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या अभी प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा, क्या अभी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्या लिखोगे भी यहाँ पर? आपका आंसर ऐसे ही हो जाएगा, क्यों क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आपका क्या हुआ, अभी प्रश्न पूछा गया है तो यस नो में तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दो। आप सही विकल्प चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। मैं कल क्रिकेट मैच देखने खालिस्तान था, मैं देखने में मजा आया, अब काम हो चुका था, आनंद आ गया उसको, ये क्या गया था? मैं कल क्रिकेट मैच देखने गया था, कल आ गया ना, बीता हुआ कल, यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। मैंने यह काम अभी करना शुरू किया है, मैं इसे कल पूरा करूंगा या कर लूंगा। यहाँ पर यह भी भविष्य की बात हो रही है, अभी चालू किया काम आगे होने वाला है भविष्य में, तो ये तो था तो है नहीं, करना है, कर रहा हूं, ये आएगा कर दूंगा, कल कर दूंगा, मतलब टुमोरो, भविष्य की बात हो रही है। सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, क्या वर्ड आएगा अभी, पुस्तकें। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से पत्र लिखता है। जो दो भाई हैं, दोनों में से कौन लिखता है अभी, एक लिखता है, तो यहां पर क्या अभी लिखता है, पत्र लिखता है, ये काम क्या अभी दिल्ली का हो रहा है। संख्याओं के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े की दूसरी संख्या पहली संख्या से 100 ज्यादा है? अब यहां पर जोड़े बनाए गए हैं दो दो, दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 100 ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां 199 में 100 जोड़ेंगे तो 299 होना चाहिए, तो ये तो है नहीं। ये 4236 में 100 ऐड करेंगे तो ये 4336 होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है। अब ये 9635 में आप 100 ऐड करोगे तो 9735 होना चाहिए था, ये आपकी राइट है। 9635 में आप 100 ऐड कर लेना, आपका उत्तर पता चल जाएगा। 9635 में 100 ऐड करोगे तो 100 5 3 7 9, ये आपका आंसर सही होगा। अगला देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और क्षेत्रफल क्या होगा? आपको यहां पर भाग देना पड़ेगा, 747 में आपको भाग देना है 4 का, तो भागफल कितना आएगा अभी, 4 का एक बार गया तो कितना आएगा अभी, 4 4 में 3, फिर आप ऊपर से हमने कितने ले लिए अभी 4, 8 चौके 32, फिर 2 और ऊपर से कितने 7 ले लिए, तो 7 6 तक जाएगा, 6 चौके 24, कितने बचे अभी 3 बच गए, तो 186 और 3 शेष पर रह गया, आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों को दर्शाता है? आपको शब्दों में लिखना है इसको, कैसे लिखोगे भी, 9740 बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनमें से इनमें रेखाओं के कितने जोड़े समानांतर हैं? ये एक दूसरे के बराबर आपको दिख रहे हैं समानांतर, एक जोड़ा तो ये है, ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, ये रेखा इसके समानांतर है, तो 3 जोड़े हो गए, ये समानांतर नहीं है, ये क्या अभी लंब है, लंब डाला गया इस पर, नंबर डिग्री कौन बना रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत अच्छा है, देखो भी नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति में वही भीन छायांकित है? अब देखो भी इसमें क्या है, अभी दो हैं, दो में से एक है तो 1/2 है ना, दो डिब्बे हैं, दो में से एक छायांकित है, 1/2 आंसर आ गया। अब यहां पर देखो भी, यहां पर 4 में से 3 है, ये 3/4 है, इसे मेल नहीं खा रही है, ये कितने अभी 1/4 है, ये भी मेल नहीं खा रही है, ये 1/3 ये भी नहीं खा रही, ये खाएगी 2/4,
चार डिब्बे हैं, दो इसमें फ्री में, इनको काट दो, दो एक दो, दो दुनी चार, एक बटा दो और एक बटा दो, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि चार हैं, चार में से दो हैं, ये दो में से एक है, तो दो का आधा एक, चार का आधा दो, ये दोनों सेम है, इनको काटोगे तब दो एक दो, दो दुनी चार, एक बटा दो आएगा, एक बटा दो एक दो के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अब यहां पर एक बॉक्स में सेंटेंस दिया हुआ है, सचिन गोज टू स्कूल डेली। अब आपको एक स्पेलिंग दी हुई है डेली, डेली की सही स्पेलिंग लिखनी है आपको, डेली की सही स्पेलिंग ये होती है डी ए आई एल वाई होता है, रोजाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भी रीड द सेंटेंस एंड आंसर द अंडरलाइन वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग। अब यहां पर एक क्या है, अभी अंडरलाइन वर्ड दिखाया नहीं गया, यहाँ पर मेक का पूछा गया है। विल यू हेल्प मी मेक ए कार्डबोर्ड हाउस फॉर द साइंस प्रोजेक्ट। अब मेक का सेम अर्थ वाला शब्द बताना है आपको, बाइंड होता है बांधना, रूट होता है रास्ता, स्टॉप होता है रुकना, क्रिएट होता है बनाना। मेक और क्रिएट दोनों का अर्थ क्या होता है, अभी निर्माण करना बनाना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर अंडरलाइन दिख नहीं रही आपको, इसी वर्ड की अंडरलाइन थी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। अब आपको वो चुनना है जो यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है, उस शब्द को चुनाव करना है। क्वेश्चन है, फोल्डेड दिस पेपर, इस पेपर को किसने फोल्ड किया, सुमन फोल्डेड इट। अब यहाँ पर अगर कर्ता जगह की खाली हो तो आप वहां पर हमेशा हाउ से, मतलब कैसे फोल्ड किया, तरीका पूछा जाता है। इसमें ये पूछा गया किसने फोल्ड किया, वाई का मतलब होता है क्यों, कारण पूछा जाता है क्यों फोल्ड किया, ये नहीं। अब यहां पर हु आएगा, किसने फोल्ड किया, हु फोल्डेड दिस लेटर दिस पेपर, तो आपका उत्तर हो जाएगा सुमन ने, तो यहां पर हु आएगा। हाउ मेनी का मतलब कितना, संख्या तो पूछी नहीं है, कारण ही नहीं पूछा, कैसे भी नहीं पूछा, कौन पूछा है, किसने किया, तो यहां पर हु आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो सेंटेंस क्या बने भी सही बने। सुरेश वाज अनेबल टू गो टू वर्क, सुरेश है वो काम पर जाने में असमर्थ है, क्योंकि ही वो सिक, वह बीमार है, क्योंकि कारण है, क्या कारण है, अभी स्कूल क्यों नहीं जा रहा, अभी क्यों का आंसर हो तो वहां पर बिकॉज आता है, क्योंकि वह बीमार है। आप एप्लीकेशन लिखते हो ना छुट्टी की, वहां पर भी क्योंकि बिकॉज का प्रयोग करते हो, सो का प्रयोग भी करते हो, इसलिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस, आई वॉन्ट टू लिव ऑन एंड स्पेंड माई डेज इन पीस। इसमें क्या आएगा, अभी माउंटेन आएगा, आई वॉन्ट टू लिव ऑन माउंटेन एंड स्पेंड माई डेज इन पीस। मैं पहाड़ पर रहना चाहता हूं, वैसे तो माउंटेन्स आना चाहिए था कि मैं पहाड़ों पर रहना चाहता हूं और मेरे जो दिन है वो शांति में बिताना चाहता हूं। थैंक्स।